नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपने शिलाजीत के बारे में सुना होगा। शिलाजीत के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको लेके आया हूँ। शुरुआत से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि ये क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, ये कहाँ और कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इसको सभी लोग ले सकते हैं क्या, इसको कब लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, क्या इसको लेडीज ले सकती हैं क्या, इस तरह से मैं आपको संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं एक बार ओवरव्यू और करता हूँ जिनके सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहला होगा, इसमें क्या होता है और कैसे पहचाने, कहाँ और कैसे बनता है, इसके इसमें क्या होता है या इसके क्या फायदे होते हैं, इसको कितने डोज में लेना चाहिए, कौन से साइड इफेक्ट होते हैं इससे लेने से, इसको कब नहीं लेना चाहिए और मन में कौन कौन से कंफ्यूजन होते हैं, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को जितना हो सकता शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल। दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है या ये कहाँ मिलता है, किस तरह, इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पति, पेड़ पौधे भी होते हैं। ये धीरे धीरे जब पहाड़ों में सूख जाते हैं तो पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में आ जाते हैं और सालों में ये धीरे धीरे इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है। डीकम्पोजिशन का मतलब वो गलने लग जाते हैं, उस गलने की वजह से दोनों चट्टानों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका डीकम्पोजिशन होता रहता है और धीरे धीरे एक जिस तरह से पेड़ पे गोंद लगता है, गम लगता है, उसी तरह से धीरे धीरे वो चट्टानों के बाहर निकलता रहता है, जो शिलाजीत के तौर पे इसको कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, घर में इसको कैसे पहचाने या जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो इसको कैसे पहचाने कि ये वास्तव में प्योर है, तो सबसे पहले इसमें ही रहता है, जब इसको हल्का सा गर्म करते हैं तो ये चिपचिपा हो जाता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बड़ा हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है, फिटकरी जैसा होता है, लेकिन फिटकरी का रंग व्हाइट होता है जनरली, लेकिन ये काले रंग का होता है और इसमें बहुत तीखी स्मेल आती है, बहुत तीखी गंध आती है, जो आप इसको सूंघते आप पहचान जाएंगे कि शिलाजीत है। उसी तरीके से इसको यदि आप पानी में डालेंगे, घर क्या करें, आप घर में आप एक गिलास पानी लें, थोड़ा सा चुटकी भर शिलाजीत उसमें डालें और चम्मच से हिलाएं, तो आपको यदि आपका शिलाजीत प्योर होगा तो उसमें कंप्लीटली घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। यदि उसमें आपने कोई मिलावट मिलाई हुई है तो वो जो नीचे बैठ जाएगा, यदि जैसे कि मिट्टी होगी तो नीचे बैठ जाएगी या कोई चीज घुलेगी नहीं। यदि पूरा का पूरा घुल जाता है, इसका मतलब आपका शिलाजीत प्योर है। उसी तरह से यदि आप इसको अल्कोहल में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये अल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता, ये क्लॉट बना लेता है। तो ध्यान रहे, इसकी सॉलिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि हम शिलाजीत को जलाने की कोशिश करते तो प्योर शिलाजीत जलता नहीं है, ये फ्लेम नहीं देता। ध्यान रहे, इस बात को भी से भी आप इसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन की बात आती है, इसका मतलब इसमें कौन कौन सी ऐसे तत्व होते हैं या कौन से सब्सटेंस होते हैं या कौन सी ड्रग होती है जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है बॉडी में जाने के बाद में। तो सबसे पहले होता है दोस्तों, इसमें फल्विक एसिड होता है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये एज इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, ग्रोथ स्टिमुलेटर हो गया और एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन हो गया। दोस्तों, मैं ये सारी चीज ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके बारे में बहुत अच्छा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो कहता है कि फल्विक एसिड एक्सेलरेट हैचिंग एंड स्टिमुलेट एंटीऑक्सीडेटिव प्रोटेक्शन एंड द इननेट इम्यून रेस्पॉन्स इन ज़ेब्राफिश लेवरे। तो कहने का मतलब ये प्रूव हो चुका है कि फल्विक एसिड ये सारे एक्शन देता है और फल्विक एसिड शिलाजीत में मिलता है। उसी तरह से इसमें शिलाजीत में एक ह्यूमिक एसिड होता है जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन देता है। ध्यान रहे, ये भी एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर आया हुआ है जो कहता है कि ह्यूमिक एसिड द पावर ऑफ डिटॉक्स एंड इम्यून सपोर्ट ऑल इन ऑल। कहने का मतलब ये ह्यूमिक एसिड भी बहुत अच्छा बॉडी के लिए रहता है जो शिलाजीत में मिलता है।
उसी तरह से दोस्तों इसमें मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ये तीनों प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जिंक, सेलेनियम और स्ट्रोंशियम भी मिलते हैं जो इस शिलाजीत में मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से इस शिलाजीत में दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जैसा कि डाइबेंजो अल्फा पाइरोन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होती है, ट्राइटरपीन्स होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। आप फायदे देख सुन के इसके आप चकित रह जाएंगे। तो जैसे सबसे शुरुआत करते हैं दोस्तों, यदि आपका पुअर एनर्जी है, लो एनर्जी में जीते हैं, हमेशा लो एनर्जी में जीते हैं, आपका कोई स्टेमिना नहीं रहता, तो यदि आप इसको लेते हैं तो आपका एनर्जी और स्टेमिना आकाश को छूने वाला जैसा होता है। आपकी बहुत अच्छी स्टेमिना हो जाती है, बहुत अच्छा एनर्जी बन जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों शिलाजीत में जैसा मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने की क्षमता होती है, और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में मांसपेशियों के विकास के लिए, हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए ये बहुत अच्छा बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर होता है। हमारी बॉडी में जाने के बाद में ये पूरी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरी सेल्स हमारी एनर्जेटिक हो जाती है और पर्सन बहुत अच्छा फील करता है। दोस्तों आपको चेहरे पे झुर्रियां आने लग गई या समय से पहले आपको बुढ़ापा आने लग गया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिलाजीत में ऐसे तत्व होते हैं जो एज को स्टॉप करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उस शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ एजिंग को स्टॉप करते हैं, और उस बेसिकली होता क्या है, इसमें एंटी एजिंग वाले गुण होते हैं, और जो फॉलिक एसिड होता है वो एज एंटी एजिंग की तरह काम करता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है, जैसे मैंने बताया था। और यदि किसी पदार्थ में, किसी दवाई में इस तरह के गुण होते हैं तो वो एजिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब बुढ़ापा आने में देरी लाता है, वो एजिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से दोस्तों यदि आपका दिमाग काम ना करे, आप समय पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को याददाश्त नहीं रख पा रहे हैं, आपके शरीर में संतुलन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इन सभी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस बोलते हैं, जिस जो आपके बहुत ज्यादा पुअर हो चुके, मतलब काम नहीं कर पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, याददाश्त नहीं रह पा रही, शरीर में संतुलन नहीं रह पा रहा, इसका मतलब आपके ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस आपके पुअर है। यदि आप इसको लेते हैं तो आप में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। कारण मैं बताता हूँ, इससे रिलेटेड भी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका जो शिलाजीत के बारे में क्या बोलता है, नेचुरल फाइटो कॉम्प्लेक्स विद पोटेंशियल कॉग्निटिव एक्टिविटी। मतलब ये हुआ, इसको खाने से आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, मतलब ब्रेन काम करने लग जाता है, सही निर्णय लेने लग जाते हैं, आपकी याददाश्त दुरुस्त हो जाती है, शरीर में संतुलन आने लग जाता है, मतलब कॉग्निटिव फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है शिलाजीत के खाने से। उसी तरह से दोस्तों यदि आप बार बार बीमार रहते हैं, जैसे थकान रहने लग जाती है, चक्कर आने लगता है, या आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, सांस में दिक्कत रहती है, जुकाम बार बार होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, तेज धड़कन रहती है, हमेशा बुखार सा रहने लग गया, मतलब आपकी इम्यूनिटी पुअर हो गई, तो दोस्तों इसको खाने से, इसको लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रोंग होती है। क्यों? क्या ध्यान देना, यहाँ पे शिलाजीत में फल्विक एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कंबाइंडली मिलके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। दोस्तों उसी तरीके से जिस तरह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, जॉइंट्स के पेन में, जॉइंट के हेल्थ में भी इम्प्रूव करता है, मतलब जोड़ों के दर्द में, सूजन में कमी लाता है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो इसको शिलाजीत को कितनी डोज में लेना चाहिए, जनरली दोस्तों इसका डोज 500 से 1000 मिलीग्राम के बीच में ले सकते हैं, और ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ले सकते हैं। क्या शिलाजीत को खाने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? तो ध्यान रहना, यहाँ पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको लेने से आपका पेट खराब हो सकता है, मतलब स्टमक अपसेट हो सकता है, उसी तरह से आपको इसको लेने से शायद हो सकता है आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो। ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। दोस्तों इसको लेने से
कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पर्सन या ऐसी सिचुएशन जिस समय आपको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहला यहाँ पे ये है गर्भवती महिलाओं को ये नहीं लेना चाहिए। कारण मैं बताता हूँ, ये शिलाजीत में जो कंपाउंड होते हैं या जो दवाई होती है, जो पदार्थ होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस करते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को इससे समस्या हो सकती है। उसी तरह से दोस्तों बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को भी इस दवा को या शिलाजीत को नहीं लेना चाहिए। कारण वही आता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली यदि कोई पर्सन जिसमें गाउट की प्रॉब्लम है, जोड़ों में गाउट की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसको जनरली नहीं दिया जाता है। और यदि वैसा कोई पर्सन है जिस जो ऑलरेडी आयरन ले रहा हो, आयरन सप्लीमेंट ले रहा हो, उसको भी ये शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। कारण क्या, क्योंकि शिलाजीत में पहले आयरन होता है। यदि कोई पर्सन शिलाजीत आयरन सप्लीमेंट ले रहा है तो आयरन की डोज बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि आयरन की डोज ज्यादा हो जाती है तो आयरन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी आने लग जाएगी। तो ध्यान रहे, इसी समय में भी आपको नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे इससे रिलेटेड कौन कौन से कंफ्यूजन होते हैं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन है, क्या इसको महिलाएं ले सकती हैं? कि जी हाँ, बिल्कुल महिलाएं ले सकती है। महिलाएं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शिलाजीत का सेवन कर सकती है, क्योंकि शिलाजीत बॉडी को मेंटेन करने में, जोड़ों के दर्द में, सामान्य कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। तो इस तरह से लेडीज या महिलाएं इसको ले सकती है। ध्यान दें, लेकिन आपको इसमें हार्मोनल इम्बेलेंसिंग करने की प्रॉब्लम रहती है। तो यदि आपको कोई ऐसा लगे कोई हार्मोनल इम्बेलेंसिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। फिर एक कंफ्यूजन आता है कि शिलाजीत को कब और कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों जनरली शिलाजीत को का सेवन सुबह दूध के साथ और खाली पेट ले सकते हैं, शाम को सोने से पहले ले सकते हैं। यदि इसको गर्म दूध के साथ लिया जाता है तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको शिलाजीत के बहुत सारे फायदे गिनाए, जैसे कि एक्ट एज ए पावरफुल और न्यूट्रिशनल टॉनिक, हेल्प टू इम्प्रूव द बॉडी इम्यूनिटी, रीगेन टू स्टेमिना, एनहांस द मेमोरी एंड स्ट्रेंथ, हेल्प्स टू डील विद द जनरल वीकनेस, इंक्रीज वीगर एंड वेटालिटी, एक्ट एज ए बॉडी रेगुलेटर, रिमूव एक्सेस टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, सिमिलरली इम्प्रूव ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ शिलाजीत एक शक्तिशाली पौष्टिक टॉनिक है जो आपकी इम्यूनिटी, स्टेमिना, मेमोरी, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में योगदान करता है। उसी तरह से इसका उपयोग कमजोरी उनको दूर करने के लिए, जीवन की शक्ति बढ़ाने के लिए, बॉडी के रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और बॉडी को ओवरऑल रेगुलेट करता है, जो आपका हाईली एनर्जेटिक बना देता है। दोस्तों ये शिलाजीत के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको जरूर बोला, कोई भी दवाई आपको लेते हैं डॉक्टर की सलाह से लें, फार्मासिस्ट की से ही दवा लें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो आप प्रॉपर तरीके से दवाई लेंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, और अपने जो सवाल होते हैं या और मैं कौन सा किस तरह का वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर लिखें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।